Recording in progress. तो आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत करेंगे आपके ऊपर रिकॉर्डिंग मैक्रोज के ऊपर. जी हाँ, रिकॉर्डिंग मैक्रोज क्या यूज होता है. सबसे पहले कंफ्यूजन दूर कर लीजिए. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं या फिर व्यू के अंदर जो मैक्रोज होते हैं ना, ये मैक्रोज होते हैं, और जो हम कोडिंग से खुद से लिखते हैं कोड करके, वो हमारा VBA मैक्रोज होता है. तो एक यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि चाहे VBA के थ्रू हो या नॉम या खुद से रिकॉर्ड करे या VBA में जाके कोड करे, दोनों सेम ही है, दोनों बनते मैक्रो ही है. VBA एक लैंग्वेज का नाम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है, जिसकी मदद से हम मैक्रोज बनाते हैं, जो कि लास्ट क्लास में समझाए थे. अगर हम रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं तो वो भी आपका VBA लैंग्वेज को यूज करके ही मैक्रोज बनाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने रिकॉर्ड मैक्रो करके यहाँ पे हमने लिखा नेम, लिख दिया राइट. अब नेम लिखने का जो कोड इसने कोडिंग किया है, आप जाएंगे एडिट में तो देखेंगे कि इसने भी VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग का ही यूज किया हुआ है. हम भी कोड करेंगे तो हम इसी तरह के लैंग्वेज का ही यूज करेंगे. ओके सर. ओके ओके ओके. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो फिर अगर हमारे पास एक ऐसा टूल्स है जो खुद ब खुद मैक्रो को रिकॉर्ड कर देता है, मतलब आपके बिहार पे खुद कोडिंग कर देता है, तो फिर हम क्यों सीखे मैक्रो. ओके. समझिए सर. तो ऐसे इसलिए है कि रिकॉर्डिंग मैक्रो की मदद से आप एक लिमिटेड वर्क कर सकते हैं. आप रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं, आप किसी तरह की कंडीशन नहीं लगा सकते हैं, डायनेमिक नहीं कर सकते वगैरह वगैरह वगैरह. इसमें सर सेव कर सकते हैं, वो कमेंट नहीं डाल सकते ना रिकॉर्ड में. मतलब ये इसके अंदर लिमिटेड हुआ है, तो इसका बेनिफिट क्या है. तो इसका बेनिफिट लर्निंग आवर में आपके लिए बहुत अच्छा है. क्या है लर्निंग आवर में, आपको हर एक टॉपिक से, मान लीजिए कि मुझे कॉपी करने का कोड नहीं पता, तो हम जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो में करेंगे और यहां से कॉपी करेंगे, यहां पेस्ट करेंगे और स्टॉप करके हम कॉपी एंड पेस्ट का कोड इसकी एडिट करके इसके मैक्रो में जाके देख लेंगे. ओके. सिलेक्शन डॉट कॉपी और एक्टिव डॉट पेस्ट. समझ में आया सर. तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा. जैसे आप कोई लैंग्वेज सीखते समय एक डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है, जो कि वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज में के वर्ड्स की मीनिंग्स बताता है ना. मैं चाहे इंग्लिश से हो या फिर मुझे अगर मान लो अगर मलयालम सीखना हो तो मुझे भी हिंदी टू मलयालम के डिक्शनरी चाहिए होगा. चाहिए. उसी तरह से एक तरह से आपका डिक्शनरी हो जाएगा, ताकि आप जो है यूज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग मैक्रो. तो अभी अगला स्टेप क्या होगा, आपको आपके पास अभी दो तीन दिन का टाइम भी है, तो आप क्या करेंगे कि जितने भी मेन्यू बार में फीचर्स हैं ना, सबको रिकॉर्ड करेंगे और सबकी कोडिंग को समझने की कोशिश करेंगे. जो तो कोडिंग आपको समझ में नहीं आता है उसको नोट डाउन करेंगे और मुझसे बात करेंगे. कैसे सर, एक एग्जांपल दे सकता है. मान लीजिए मुझे बोल्ड करने का कोड पता है बोल्ड करने का कोड क्या होता है. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग मैक्रो पे क्लिक करके मैक्रो रिकॉर्ड शुरू कर दूंगा. अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट दिखाया ना सर, मैक्रो रेडी. अब मैं इसको बोल्ड पे कमांड अपना दूंगा. बोल्ड कर दिया, यहाँ बोल्ड पे क्लिक कर दिया, बोल्ड हो गया. हो गया. अब एक बार में आप एक ही स्टेप को फॉलो करना है, क्योंकि दो चार स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह का कोड है. ओके. उसके बाद इसको स्टॉप कीजिए और डेवलपर में मैक्रोज लिस्ट में जाइए और जिस मैक्रो का मैं रिकॉर्ड किया उसे सेलेक्ट करके एडिट पे क्लिक कीजिए. ओके. जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ इसका कोड दिख जाएगा सिलेक्शन डॉट बोल्ड. ओके ओके. आगे ना सर, तो सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू. अब इसमें आप एक काम करें कि इसको फॉल्स करें, ठीक है. ओके. क्योंकि ट्रू है तो ट्रू का अपोजिट फॉल्स होता है ना. हाँ, फॉल्स होता है. अगर मैं इस मैक्रो को रन किया मैक्रो 3 को तो अनबोल्ड हो जाएगा ना. हो गया. इसको हम लोग बोलते हैं अवेयरनेस. देखिए किसी चीज को सीखने से पहले उसकी अवेयरनेस पता होनी चाहिए. जैसे आप गाड़ी सीखने के लिए जाते हैं तो गाड़ी के स्टेरिंग पे बैठ जाएंगे तो आपको काफी दिक्कत होगी. ओके.
आप पहले गाड़ी के फंक्शन के बारे में सीखोगे, गाड़ी फंक्शन कैसे करता है, ओके, तो आपको बेटर रहेगा ना, सब चीज पता रहे, अच्छे से पता रहेगा, बेटर रहेगा। आपको पता है कि गाड़ी क्लच, गाड़ी का क्लच होता है, क्लच सिस्टम क्या है, स्टेयरिंग सिस्टम क्या है, ब्रेक का क्या सिस्टम है, हैंड ब्रेक क्या वर्क करता है, डिक्की कैसे खोलता है, क्या डूर कैसे ओपन होती है, डूर ऑटो लॉक कैसे होती है, इसके बारे में अगर आप जान जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, देन जब आप बैठेंगे तो गाड़ी चलाने में आपको फोकस क्या करना होगा, आपके ड्राइव पे फोकस करना होगा, कंट्रोल पे फोकस करना होगा, आपको ये नहीं पता करना होगा कि भाई गियर कैसे बदले, तीन नंबर का है, पांच नंबर का है, तीन नंबर का, तो गियरलेस का गाड़ी आ गई है, फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो ये चीजें आपको रिकॉर्डिंग माइक्रो से आपको अच्छा रहेगा कि जब आप रिकॉर्डिंग माइक्रो में, क्योंकि आप वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के जरिए टिगर क्या करोगे, टिगर ये ऑप्शन ही करोगे ना सर, क्या टिगर तो आप एक ऑप्शन ही करोगे ना, ऑप्शन करें, हेलो, हाँ सर, ऑप्शन ही करेंगे ना सर, तो यहाँ भी ये चीज आपको बेनिफिट देगी, ओके सर। नेक्स्ट इन होम बटन के बाद इंसर्ट बटन में भी ऐसा करने का है, हाँ, जितने भी ऑप्शंस हो सके उसको ग्राफ करके उसकी कोड को समझ लेंगे, मैं ये नहीं बोलते कि कोड को रट्टा मार के याद कर लीजिए, बट जस्ट मैंने कि उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि कोड आपकी क्या है, ओके। इससे क्या होगा, हम लोग आपस में बोलते हैं ना कि बात करने का लहजा, लहजा समझते हैं, समझे समझे, हाँ, उसी तरह से आप कोड कोड को जब समझेंगे, कोड को जब रीड करेंगे तो कोड के लहजा को पता चल जाएगा कि कोड आके कैसे फंक्शन कर रहा है, ओके सर, डॉट इक्वल ये सब चीजें कहाँ पे लग रही है, समझे ना, समझ गए, इसकी समझ में आपको आएगा, एक खुद चीज समझ लीजिएगा, ओके सर। और जब मैं उसको आज जब मैं सारी चीजों को जब एक्सप्लेन करूंगा तो आप इजिली समझ में आ जाएगा। आपको याद होगा 5 बजे वाली बैच में जो ज्वाइन किए थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको मैंने बोला था इस चीज करने के लिए तो उन्होंने नहीं किया था, जब मैंने उनको दोबारा समझाया कि इसको पहले कीजिए समझे, तो अब अच्छे से समझ रहे हैं, आज उन्होंने एक बहुत अच्छा माइक्रो भी बनाकर दिखाया, और तो ये चीज आपके साथ भी लागू हो सकती है अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, तो सो अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले आप अपने आप को अवेयर कीजिए कोडिंग के थ्रू, ओके सर, तब आपको लर्न करने में बहुत बेनिफिट होगा, ओके। तो अभी आगे कुछ सीखने से पहले आप रिकॉर्डिंग मैक्रो पे वर्क करना शुरू कर दीजिए, ओके, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप वन बाय वन कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में 10-15 फीचर अप्लाई करोगे फिर कंफ्यूजन हो जाएगी किसका आपका कोड है, ओके। बेनिफिट तब होगा जब दोनों साथ साथ करें, जैसे कि आपने क्या किया, आपने विंडो को माइक्रो फोर लिखा हुआ आ गया ना, नहीं वो एक्सेल में, नहीं नहीं मैं कर्सर कहाँ पे आपको पॉइंट कर रहा है, एक्सेल तो मैं ओपन किया है, उसमें आप ओपनिंग को भी है, मेरे स्क्रीन को देखिए ना आप पहले, हाँ ओके ओके, आपका स्क्रीन को मैं भी देखता हूँ, ओके ओके, आप चलेंगे वहाँ पे ना, देखिए मैं जैसा कर दिया है मैं इसलिए, हाँ दोनों को पैरेलल कर लीजिए, ठीक है ना, हाँ ओके ओके। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं माइक्रो रिकॉर्डिंग शुरू किया है तो यहाँ माइक्रो फोर बन गया, अब देखिए यहाँ, हाँ मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, ये देख गया रेंज बियॉन्ड डॉट सेलेक्ट आ गया है ना, समझे, ओके आ गया आ गया आ गया। अब मान लीजिए कि मुझे इसकी इसकी फॉन्ट जो एरियल पे से मुझे कैलिब्रेट करनी है, ये देखिए आ गया, एक एक करके कर सकते हैं, उसके बाद मान लीजिए मुझे इस पे बैकग्राउंड कलर देना है, तो एक एरिया सेलेक्ट किया, यहाँ देखिए एक एरिया सेलेक्ट हो गया, और फिर इस पे मुझे अगर कलर बैकग्राउंड कलर देना है तो मैंने यहाँ से येलो कलर दिया, कलर करने का कोड आ गया, समझे, समझ गया, इस तरह से वन बाय वन को करे और समझे उसको, ओके। कलर इसके नंबर लिखा है, हाँ नंबर में होता है, उसके नीचे टिंड, ओ क्या है सर,
तीन एंटिटी इसलिए जब देखिए जब फॉलो करता है ना पूरा ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है, जब आप फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं ना तो फिल पे जाते हैं, तो सारा चीज होता है ना कि आपने कौन सा कलर लिया है, फिल इफेक्ट क्या है, पैटर्न क्या है, स्टाइल क्या है, ठीक है ना। ओके, उसका पैटर्न जीरो है, सब जीरो है, मतलब कि ये जरूरी नहीं है, इसको नहीं भी डालोगे तो चलेगा। सॉलिड कलर हमने लिया है, ओके, तो यहाँ पे पैटर्न में जो यहाँ पैटर्न कलर सॉलिड है, अगर ये पैटर्न की जरूरत नहीं है तो आप एक चीज डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से हटा दो, सिर्फ कलर भी डाल, सिर्फ कलर भी डाल सकते, ठीक है। सेम इसी तरह से हमें सिर्फ फॉन्ट ही डालना है, बाकी चीज अपने आप आ गई है, हमें चाहिए तो रखिए अदरवाइज हटा देंगे, सही तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स 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 आ रहा है ना, फॉल्स फॉल्स आ रहा है, हाँ, इसी चीज को आपको समझना है। ओके सर।